हेलो, माय नेम इज़ अनुराग श्रीवास्तव और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रिफर्बिश्ड लीड को कैसे देखा जाए, रिफर्बिश्ड लीड पे कैसे कॉल किया जाए और कॉल टाइम 2 घंटे से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। ये 3 पॉइंट हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। ये तीनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छी तरीके से और आप इसमें आप सोचोगे कि हाँ, ये मेरे को समझ में आया और ये चीज़ मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि एज अ BDT आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको रिफर्बिश्ड लीड कैसे काउंटर करना है। ठीक है, सब आपको बोलेंगे कि बहुत आसान होता है, सब अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत मुश्किल जाती है उसमें भी। क्यों, मेरे साथ के बहुत सारे बंदे थे जो कि नहीं कर पा रहे थे और वो इस वजह से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा था रिफर्बिश्ड लीड है, यानी उनके ऊपर पहले कॉल हो चुका रहता है। ठीक है, पहले ही कॉल हो चुका रहता है उसके ऊपर। ठीक, आपको रिफर्बिश्ड लीड क्यों मिलती है, क्योंकि उस पर पहले ही कॉल हो चुका है। और जब पहले कॉल हो चुका है तो आप मेरे को एक बात बताओ, वो जब पहले ही BDA से बात कर चुके हैं तो आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपका बात सुने? वो तो तुरंत बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, मेरी बात हो चुकी है ना बायजूस से, और मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं है ये। ठीक, वो तो आपको यही बोलेंगे, है ना। तो आपको कन्विंस कैसे करना उनको? दूसरा, यानी आपको 2 घंटे का टाइम कैसे करना है, इसका भी मैं पूरा आपको आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ, आपको बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के कि कैसे आपको कैसे टैकल करना है ये चीज़ों को। अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, रिफर्बिश्ड लीड क्या होती है। रिफर्बिश्ड लीड वो लीड होती है जिस पे या तो BDA ने पहले बात कर चुके होते हैं और वो आपको आई हो। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया, या तो फिर उनकी बात कभी हुई ना हो, है ना, ये दूसरा सिनेरियो हो गया। अब हुई क्यों नहीं होगा, क्या फिर उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया? ऐसा नहीं है, सामने वाले ने फ़ोन उठाया नहीं, या फिर उसका आउट ऑफ रीचेबल था, या तो उसका स्विच ऑफ था। ये तीनों टाइप में लीड को उन लोग रिफर्बिश्ड करते हैं। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने 70,000 का टारगेट मिला हुआ था मेरे को, मेरा OGT का। ठीक है, वो 70,000 में से मैंने जो OGT था उसमें कितना पैसा किया था, 2,80,000 रुपये। तो 70,000 और 2,80,000, मैंने 4 लोगों का टारगेट अकेले बंदे ने किया था। ऐसे लोग चाहिए भाई उसको, तभी आप क्लियर कर सकते हो BDA। ठीक है, जो एक बंदा 4 का टारगेट करे, ना कि 4 बंदे मिलके 1 का कंप्लीट करें, अपना अपना। एक बंदा 4 का करेगा तो वो BDA लायक है। अभी ये बात आप समझना। अब आप देखो, अभी OGT में तो आ गए हो, आप क्लियर भी करना है आपको, है ना। अब एक बात बताओ, आप क्या सोच के जा रहे हो, क्या रिफर्बिश्ड लीड में कैसे कॉल करोगे आप? है कोई? नहीं है। जो बंदा आपका 20 सेकंड कॉल नहीं उठ रहा, आपने बोला हेलो सर मैं बायजूस से बात कर रहा हूँ और उसने फ़ोन काट दिया, या फिर उसने बोला सर मेरे को पता है मैं नहीं बात करना चाहता, अभी मैं बिजी हूँ, रख रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं नहीं बात कर सकता, उसने रख दिया। अब आप ये मेरे को बात बताओ, 2 घंटे बाद किससे करने वाले हो, कौन से करोगे भाई? घर पे लगाओगे? दूसरे दिन कंपनी बाहर निकाल देगी? क्या करने वाले हो, क्या प्लान लेके जा रहे हो? नहीं आइडिया। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब क्लियर करूंगा और आप इस वीडियो के लास्ट में खुद बोलोगे कि हाँ मैं तैयार हूँ भाई, फोन लाओ। ठीक है, सबसे पहला तरीका, रिफर्बिश्ड लीड होती है वो जिसको कनेक्ट ना किया गया हो, जिसका कॉल ना उठा हो, या फिर वो आउट ऑफ रीचेबल हो। ठीक है, ये भी रिफर्बिश्ड लीड में आती है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों लीड में से अगर आपको एक भी लीड मिल गई, जैसे कि मेरे को मिली थी, मेरे को क्लासरूम ट्रेनिंग में ही लीड मिल गई थी और मैंने जैसे ही उनको कॉल लगाया उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक, मेरे मैनेजर ने बोला भाई अनुराग देख यार, कर कहीं से भी सेल, मेरे को नहीं पता। तो अब मैनेजर सिर्फ यही बोलेंगे कर भाई अनुराग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप मैंने वो दूसरी बार भी लगाया, फ़ोन नहीं उठाया, तीसरी बार लगाया आउट ऑफ रीचेबल बताया, चौथी बार लगाया स्विच ऑफ बताया। ठीक है, आउट ऑफ रीचेबल ही थी वो लीड, मैंने उसको भाई आगे नहीं फेंका, मैंने सोचा कि यह करना ही है, जब मेरे को कॉल टाइम ही बताना है तो मैं डायरेक्ट कनेक्टेड कॉल बता दूंगा, कनेक्टेड कॉल यानी डायल्ड कॉल शो कर दूंगा कि सर लगाया तो 100 लोगों को कॉल, अब उनमें से 50 भी नहीं उठाए, 20 भी नहीं उठाए, मैं क्या करूँ? ठीक है, लगाया तो 100-200 लोगों को कॉल। तो वो बंदे को मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा था कि चलो कॉल टाइम डायल्ड कॉल बढ़ाऊँ, लेकिन 5वीं बार में उसने फ़ोन उठा लिया। अब जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने बोला जी हाँ कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैंने बोला बायजूस से बात कर रहा हूँ, बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन से, जो कि मेरे को CRT में सिखाया गया था, सेम पिच मैंने वहाँ किया। तो बोलते ओके ओके, अच्छा आप बायजूस से बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्या मुझको भी प्रोडक्ट लेना था
तो मैंने इसी वजह से साइनिंग करा था या फिर इसी वजह से लॉक किया था या फिर इसी वजह से लीड जनरेट किया था। उन्होंने साफ मेरे से बोला कि यार मेरे को प्रोडक्ट तो चाहिए है, तो कैसा क्या रहता है उसमें, क्या पैसे वैसे रहते हैं, क्या कैसा रहता है। मैं बोला भाई बल्ले बल्ले हो गई, CRT में ही सेल कर दी हमने, CRT में आपको सिखाया जाता और उसमें मैंने सेल कर दिया। ठीक, OGT में आया मैं मैनेजर के पास, सब बोले कि मैनेजर दिमाग खा जाएगा। ठीक है, अब वो मैनेजर के पास जब मैं आया तो मैं सेल लेके आया था, क्वालिफाइड बंदा था मैं, यानी मैं बायजूस का BDT प्रोग्राम CRT में ही क्वालिफाई कर चुका था, उतना सेल मेरा हो गया। ठीक, अब 280,000 रुपये की सेल मैंने कैसे किया, क्योंकि 70 पहले ही हो गए थे। उसके बाद में मैंने कोशिश किया कि सर मैं बायजूस से बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन कट जा रहे थे, 3-4 दिन तक कटते रहे, एबसेंट भी लगी उसके कारण, कि क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा है, मैं कहाँ से 2 घंटे का कॉल टाइम करूँगा, सही बात है ना, एबसेंट भी लगी। पर अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या करना है कि सिंपली जब आप कॉलिंग करो, ठीक है, सामने वाला मूड बना के बैठा है, उसने बात कर चुका है, उसको पता है कि यार मेरे को बात करना ही नहीं बायजूस वाले से, ठीक, उसने सुना है कहीं से कुछ कुछ उल्टा पुल्टा या फिर कुछ भी, मैं समझ मजाक भी करे यार, लोग बोलते थे कि नहीं हमें शाहरुख खान पसंद नहीं है सर, अब शाहरुख खान पसंद नहीं है तो बायजूस का क्या कसूर, यानी शाहरुख खान पसंद नहीं है, बिहार साइड के लोग बोलेंगे शाहरुख खान पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, पर ये बोलते हैं कि नहीं पसंद मेरे को शाहरुख खान, इसलिए मैं बायजूस से भी नफरत करता हूँ। ठीक है, तो अब ये समझ में आज तक आया नहीं पर करते हैं ऐसा। ठीक, अब आपको वहाँ पर सीधा सीधा ये बोलना है, सर मैं सेंट्रल टीम से बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं बोलना है कि मैं सर मैं अनुराग श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन से, क्या इसने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, ये आपको नहीं बोलना है, ये सिखाया जाएगा पर बोलना का नहीं है। ठीक है, बोलना नहीं है, ये मैनेजर के बेचारों को रिकॉर्डिंग देना पड़ता है तो उनको यही सिखाना पड़ता है, नहीं तो वो भी ना सिखाएं। आपको क्या बोलना है कि मैं सेंट्रल टीम बायजूस से बायजूस नहीं बोलना है, सेंट्रल टीम बस बोलना है या ऑडिट टीम बोलना है या फिर फीडबैक टीम बोलना है, आपको सीधा बात करना है, सर मैं अनुराग फीडबैक टीम से बात कर रहा हूँ सेंट्रल से बैंगलोर से, क्या मेरी बात इंजन से हो रही है, बोलेगा हाँ इंजन से हो रही है, तो सर आप कहाँ से वैसे बात कर रहे हो, सर बोलेंगे पहली बात तो जब इसी आप बोलोगे सेंट्रल टीम बैंगलोर से बात कर रहा हूँ, तो सामने वाला जो कि आपका मुंह पे फ़ोन काटने वाला था वो आपको बोलेगा सर कहाँ से बात कर रहे हो आप, किस कंपनी से बात करो, कहाँ से बात करो, आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दिया ये बोल के। ठीक, अब सामने वाला आपसे सिंपल सा आपसे यही पूछेगा कि आप कौन सी जगह से बात करो, किधर से बात कर रहे हो, तभी आपको बताना सर आपके पास एक, आपको उसका आंसर नहीं देना है, आपको उसका आंसर नहीं देना है, ठीक है ये याद रखिए, आपको उसको आंसर नहीं देना है, आपको थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करना है और आपका जो पिच होना चाहिए, जैसे मैं नॉर्मल ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कॉलिंग करता हूँ तो मेरी एक पिच ऊपर होती है कि हेलो सर मैं अनुराग श्रीवास्तव बात करूँगा बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन से, क्या है इसने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, क्या आपको आइडिया है इस चीज़ का, जब आप थोड़ा वजन अपनी बात में थोड़ा बेस रख के बात करते हो सामने वाला आपकी बात सुनता है। ठीक है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको ऊपर कोई हल्का सा थोड़ी ऊपर नोट करके या पिच ऊपर करके बात करता तो आप उसकी बात सुनते हो और फिर आप एक नेक्स्ट स्टेप नीचे आ जाते हो, उसके एक स्टेप नीचे आ जाते हो और उसको ऊपर आप देखने लगते हो। सिंपल आपको यही करना है, वो बोलेगा नहीं सर क्या हुआ है कुछ प्रॉब्लम, कहना नहीं सर मैं फीडबैक के लिए आपका बात कर रहा हूँ, आपको क्या बायजूस से किसी का कॉल आया था जो कि मेरी यानी जो काउंसलर का कॉल आया था क्या आपको, बोलेगा हाँ हाँ आया था मेरे पास कॉल आया था पर हमको ऐसा इंटरेस्ट नहीं है या फिर हमको चाहिए ही नहीं, दोनों केस में आपको वो बोलेगा या तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है या तो हमें चाहिए नहीं या फिर हमने सुना है मेरे को बहुत महंगा है या फिर पैसा बहुत ज़्यादा है, आपको बोलना क्या सर मैं जान सकता हूँ कि आपके साथ बात किसकी हुई थी और क्या बात हुई थी, वो बोलेगा देखो कोई ध्यान नहीं रखता था, आज मैं हूँ मैंने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा दिया, ध्यान रखोगे नहीं ना, तो अगर वो ध्यान रखोगे आप अगर ये प्रॉमिस करते हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब और लाइक कर दो, जिसकी वजह से मेरे को समझ में आया कि यार आप लोग मेरा ध्यान रखोगे कि बंदे ने सही सिखाया था। ठीक, अब जैसे वो पूछेगा आपको कि नहीं मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, तो वो आपको ये पूछना है सर हमारी फीडबैक टीम इस वजह से कॉल कर रही है क्योंकि जिन जिन लोगों को हमारे तरफ से कॉल गया है वो कुछ बेनिफिट्स इशू हुए हैं, यानी आपको उसको ये बताना है कि बेनिफिट्स इशू हुए हैं, जब बेनिफिट दे रही थी कंपनी तो आप लोगों ने सर वो बेनिफिट क्यों नहीं लिए। अब देखो क्या माइंड में आएगा, क्योंकि पहले जो कॉल किया गया था वो टिपिकल माइंडसेट BDA माइंडसेट से कॉल किया गया था, अब आपने BDT माइंडसेट से कॉल किया उसको। ठीक है, BDA कोई बेनिफिट की बात नहीं करता, कोई कुछ की बात नहीं करता, कोई भाई मैं बता रहा हूँ ना कोई स्कॉलरशिप की बात नहीं होती, ठीक वो सब DS पे जाते तभी होती है। ठीक,
वो बोलेगा सर मेरे को तो कोई बेनिफिट बताया नहीं, कहना सर सॉरी सर यही प्रॉब्लम थी कि हमने आपके साथ कनेक्ट किया गया, क्योंकि जो आपके लिए बेनिफिट्स इशू हुए जा रहे थे वो सर हम भी जानना चाहते थे कि कौन सा पेरेंट्स है जो इतने अच्छे बेनिफिट लेना नहीं चाहेगा, ठीक, इसीलिए आपको वापस कनेक्ट किया गया सेंट्रल टीम के थ्रू। जो आपकी बात हुई थी सर वो स्टेट लेवल पे बात हुई थी, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल टीम का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको वहाँ पे वो वेब आपने वजन ऐड कर दिया कि यार वो तो स्टेट से था, मैं सेंट्रल से बात कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता था कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो बोलेगा कि बेनिफिट के बारे में हमें बात समझ में नहीं आई थी, सर प्लीज़ आपको क्लियर करो कि बेनिफिट क्या चाहिए हो, बेनिफिट क्या दे रहे हो आप। जैसे उसने आपने बोला उसने ये बात कि बेनिफिट क्या दे रहे हो आप, यानी बंदा हमारे अप्रोच में आ गया, जो फ़ोन पे काटने वाला था उसको आपने कन्वर्ट कर लिया एक लीड में। वो लीड नहीं थी, वो सिर्फ फ़ोन काट देता आपका, ठीक है। इधर तक आपका कम से कम मैं बता सकता हूँगा 5 मिनट का कॉल टाइम मैंने करवा दिया, ठीक है, 120 मिनट के कॉल टाइम में 5 मिनट का कॉल टाइम मैंने फालतू सी लीड पे बतवा दिया जहाँ पे वो बंदा आपका कॉल काटने वाला था। इसमें मैंने आपका 5 मिनट का कॉल टाइम करवा दिया ना, तो थैंक यू बोलना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपने इतना खींच लिया उसको, उसने बोला आपकी बेनिफिट क्या इशू करना है, तो आपको वहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करना है, आपको वहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट क्रिएट करना है। आपको ये नहीं बोलना सर बेनिफिट ऐसा ऐसा है, स्कॉलरशिप देंगे आपको, आप मजे करना, आपका बच्चा पढ़ लेगा, नहीं। हमको वहाँ पे ये कहना है कि ओके सर, तो मैं आपकी पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं, उससे पहले मैं आपके बच्चे से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूं, पढ़ाई से रिलेटेड। आप ये बहुत अच्छे से वहां पे मेजरली बोलना, प्लीज लिख लो इसको, पढ़ाई से रिलेटेड मैं उसकी जानकारी चाहता हूं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूं। जानकारी मत बोलना, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि हम क्यों अपने बच्चे की जानकारी दें यार, आपको कौन हो आप, 5 मिनट के बाद में हम 5 मिनट में आपसे बात की और हम अपने बच्चे की जानकारी दे दें, नहीं। पढ़ाई से रिलेटेड मैं उससे बात करना चाहता हूँ कि आप पढ़ाते हैं क्या, आप ध्यान देते हो आप सर उसके ऊपर पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि एप्लीकेशन तो पढ़ाई की ही है ना। जब आपने ये बोले तो आप उसको साथ ही साथ एक छोटा सा ना इंट्रोडक्शन भी दे दो बायजूस का, कि सर मैं बायजूस आपको पता है कि एडटेक कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है जिससे 7 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। हमारी जो पढ़ाई होती है वो विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ाई जाती है, हम कॉपी किताब के मेथड से नहीं पढ़ते, हम विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ाई होती है हमारे यहाँ। वो समझ जाएगा कि ठीक है सर, ओके। शाहरुख खान का ऐड देखा है सर आपने, वो बोलेगा हमें शाहरुख खान पसंद नहीं है भैया, हम सनी देओल को पसंद करते हैं, हम इसको थोड़ा, शाहरुख खान हमें पसंद नहीं है। आपको सीधा बोलना सर तो फिर तो आप इंडियन क्रिकेट टीम को तो पसंद करते होगे। नहीं नहीं हम क्रिकेट नहीं देखते। आप क्रिकेट भी नहीं देखते सर, तो एक काम करिए, आप अपने घर से बाहर निकलिए, अपने बाज़ार में जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पक्का एक ना एक होर्डिंग दिख जाएगा जिसमें बायजूस लर्निंग एप्लीकेशन लिखा होगा। नहीं नहीं हम वो भी नहीं देखते सर, आप फीफा देखते होगे, फुटबॉल के होगे, फिर प्रैक्टिस करते होगे सर, फीफा वर्ल्ड कप में देख लो आप, वहाँ पे भी जाके टाइटल में आया है, कुछ ना कुछ तो वो रिलेट कर ही लेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमें आना है उसको पिच करने पे, उसके बच्चे की आपको जानकारी लेना है सर, तो वो कैसा पढ़ता है, आपको एक नीड जनरेट करना है उसके लिए। अब नीड जनरेट करने के लिए आपको नॉर्मल जो ट्रेनिंग मिली होगी वो ये मिली होगी कि सर आप इस पर ध्यान देते हो सर, आप उस पर सामने वाले को एक गिल्टी में डाल दो कि यार सही में वो ध्यान नहीं दे रहा अपने बच्चे के ऊपर, यही करोगे ना, नहीं करना। आपको नॉर्मल उससे बात करना है, नॉर्मल बात करना है, सेशन बुक करना है और आप कर सकते हो। गिल्टी में नहीं यार, देखो किसी पेरेंट्स को आप नीचा मत दिखाओ, सीधी सी बात है ना। आपको उसकी गलती बता सकते हो पर अननेसेसरी तरीके से, अनएथिकल तरीके से अगर आप उसकी गलती बता रहे हो तो ये तो गलत हुआ, इसमें मैं सपोर्ट आपका नहीं कर सकता और ना ही मैं करूँगा इस सपोर्ट में इसमें, ठीक है। अनएथिकल तरीके से कोई सेल नहीं करना, कुछ भी अनएथिकल तरीके से नहीं करना। आपने ये करे वो लीड में ही आपको मैं बता रहा हूँ 50 लीड मिलेंगी ऐसी रिफर्बिस्ट, उसमें से 30 लीड में आप बात कर सकते हो, क्योंकि 20 तो कॉल ही नहीं उठाएंगी, ठीक है, लेकिन जो कॉल उठाएंगे ना आप उनको इंगेज कर सकते हो, और वो 30 लीड में बात करने के बाद में आप कम से कम उस लीड से आप मेरे को बताओ 5 मिनट का भी कॉल टाइम निकालते हो एक लीड से, जो कि गिरी से गिरी हालत में निकलना ही है, आप कितना निकाल लोगे, आराम से आप 2 घंटे कंप्लीट करोगे अपने दिन के, ठीक है, और प्लस आप सेल भी करोगे। समझ आया आपको, इस तरीके से ही करना है आपको सेल। चलो अब हमारी बात करते हैं, ये सब तो रही आपकी बात, आपका क्लियर करने की बात, अब हमारी बात होगी
प्लीज़ आप इस जो चैनल को है ना इसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आया हो, देखो भाई पसंद आया तो ही लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे को पता चलेगा ना यार मेरी गलती है तभी आप डिसलाइक करें। अगर मैंने आपको अच्छे से समझा नहीं पाया है तो आप प्लीज़ इसको डिसलाइक करना, और नीचे कमेंट सेक्शन अगर डिसलाइक कर रहे हो बॉस तो जाके कमेंट सेक्शन में बताना कि यार ये गलत आपने बोला तो इस वजह से मैं आपको डिसलाइक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसको अच्छा कर सकूं, और आप फिर वापस अगर वीडियो कभी भी देखो मेरा तो उसमें आप वापस इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूं, और कुछ वीडियो अब मैं डालूंगा जॉब से रिलेटेड भी, ठीक है। इफ़ अगर आपका OJT क्लियर नहीं होता, BGT क्लियर नहीं होता है तो मैं यहाँ पर जॉब से रिलेटेड भी डालूंगा कि क्या क्या कर सकते हो आप, किस तरीके से कर सकते हो, कौन कौन से जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना मेरे भाई, और प्लीज़ इसी टेक्निक से काम करना जो आपको इस कॉलेज जो आपको CRT में सिखाया जाता है वो आपको काम नहीं आने वाला है, चाहे तो आप सीख लो और एक बार ट्राई करके देखो और फिर मेरा वीडियो देखो, ठीक है। और समझ आ रहा हो तो इसको शेयर भी करना, क्योंकि दूसरे बच्चों की भी लाइफ होती है, उनको अगर प्रॉफिट मिल रहा है मेरी वीडियो देख के तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए ठीक है ना इतना, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं और बताता हूँ। अब DS के ऊपर भी मैं सेशन DS के ऊपर भी बनाऊंगा, और आप BDT में DS भी कर सकते हो, ये आपके पास है पावर, वो पावर कैसे यूज़ करना है उसके लिए आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ये सुनना है या नहीं, या फिर आपको इतने ही से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको DS भी पता करना है कि डायरेक्ट सेल्स कैसे किया जाए तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय, साइनिंग ऑफ।